डे 6 एंड वी आर नाउ इन कल्पा और हम लोग के सामने ब्यूटीफुल किन्नौर वैली है। यहाँ पे अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और कल्पा में दो तीन पॉइंट है, जैसे कि साइड पॉइंट और रिकुमप्यो मार्केट में। और रिकुमप्यो मार्केट में हमें फ्यूलिंग करवाना है क्योंकि फ्यूल जो है लास्ट ब्लॉक में हमने देखा था हमारा खत्म हो चुका था। ठंड थोड़ी और अच्छी होती तो और ज्यादा मजा आता, क्योंकि हमारे बैग में जितने भी विंटर के जितने भी क्लॉथ थे सारे निकल गए थे। अब वो जब पैक करने जा रहे हैं तो वो और ज्यादा भर चुके हैं, क्योंकि पहले जैसे पैकिंग दोबारा होती नहीं है। तो ये एक पंगा है, लेकिन इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। कल से मोमोज नहीं खाया, तो पेट सब पचक गया। सवाल यही था, जिस टाइम से झूपड़ गए होंगे उस टाइम ऑक्सी 99 था, हम तो स्प्रे कर लेते क्या करते होंगे, और तो मालूम इतना फूकते थे और चकड़ा के गिरते होंगे। अरे तो उनको वही जगह मिला था, नीचे नहीं मिला था, हम लोग ही मिल लेते उनसे, है ना, हम लोग के लिए बिजी हो जाता। तो केदारनाथ देखिए जाके ऊपर जाके बैठे मतलब शुरू से ही एकदम हम लोग मम्मी कहते कि तुम लफंगा है बेबड़ा है, लफंगा तो ये सब थे दौड़ के भाग जाते थे पहाड़े पे, कहती है हम लोग को अब बीबी के साथ, बीबी के साथ गर्लफ्रेंड का नाम लेंगे तो मार जाता है, बीबी के साथ वहां जाके बैठे थे। देखिए हम लोग कहेगा सब क्या चीज़ बगल में मत जो गिर जाए, मतलब एडवेंचर करना, हम लोग बाइक लेके जाएंगे तो दिक्कत चल जाता है एडवेंचर। ये चीज होना चाहिए था, इन लोगों को जाना चाहिए था लंदन अमेरिका, तो हम भी जा रहे हैं मानता मानता कह रहे वहाँ पे जा रहे कहाँ भाई, तो चार था मैं तो कहाँ का न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया, तो बच्चे का मुंडन करवा दे भाई तो लंदन में है भाई अमेरिका का मानता है, मजा कितना आता। तो बीबी कहानी नहीं, अभी केदारनाथ भी नहीं लेके जा रहा है, वो माल खरीदते कहाँ से होंगे, उनका पैडलर पता नहीं भाई। तुम भी कभी जाओ भाई ऊपर, 3 दिन का ट्रैक है। क्या चीज़? 3 दिन का ट्रैक है, जैकेट साफ कर लिया। ओ भाई दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया टॉप पे। शिवलिंग जो देखा था अभी हमने जो कैमरे में शूट किया था, वो शिवलिंग एक्चुअली 3 साल से वहाँ पे जो ट्रैकिंग होती है, यात्रा होती है, 3 साल से बंद है। 3 साल से इसलिए बंद है क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग जो होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, और बहुत लोग वहाँ पे जाते जाते ही डेथ कर जाते हैं। तो उसकी वजह से सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि टोटली बैन कर दिया है और 3 साल से कोई जा नहीं रहा। एक्चुअली किन्नौर कैलाश का जो ट्रैक है ना बहुत ज्यादा टफ होता है, ड्यूरेशन पूरा 3 से 4 दिन का होता है, आपको उससे पहले फिजिकली फिट करना पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री के बारे में आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे आपको वीडियोज मिल पाएंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पे पार्वती कुंड है और पांडवाज ने भी टाइम स्पेंड किया है, स्वर्ग का रास्ता वो लोग बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग मिथ है। तो ये सब चीजें आप क्लियर कर लो गूगल से, हम दिखाएंगे आपको नजारे। बाइक से जाएंगे, सबसे पहले हमारा पॉइंट है सुसाई पॉइंट है, सुसाई पॉइंट पर जाएंगे रिकॉन्ग्प्यो मार्केट, रिकॉन्ग्प्यो मार्केट में देखते हैं अगर कुछ अच्छा खाने को मिला, मोमोज टाइप सा कुछ हाँ। तो खाएंगे और फ्यूलिंग करवाएंगे, फिर निकलेंगे सोलन के लिए। सो बाइक जो है सबकी लोड हो चुकी है, मेरी बाइक, निखिल की बाइक और सैंडी भाई की बाइक, और हमें जाना है यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर की कोर। आधा से ज्यादा सामान जो है मेरा सामान निखिल के बाइक पे है। कौन सी है मेरा बाइक पे आपका? ड्रोन भाई, सबसे महंगा सामान। बाइक क्या नहीं मिलेगा? लेंस सबसे महंगा सामान। ट्रिमर ट्रिमर नहीं है, छोड़ दिए छोड़ दिए। अभी जो हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट, इसी रास्ते से हम कल रात होटल में आए थे एक्चुअली, और ये रास्ता काफ़ी रात में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। व्यू देखो, नज़ारे देखो, मज़ा सा आ रहा है एकदम। सही है, तो ये जो है सुसाइड पॉइंट है यहाँ का, और नीचे देखते हैं क्या है। ओ भाई सच में सुसाइड पॉइंट ही है ये, इधर की ओर कोई और गांव जाता है, लेकिन हमें वापस बैक टू द सेम रूट जाना है जहाँ से हम लोग आए थे। ये है किन्नौर, और यहाँ पे जो है किन्नौर कैलाश जो है आपका पूरा विजिबल है। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पार्ट में भी किन्नौर कैलाश है, वो इतना ज़्यादा साइन करता है कि नेकेड आई से विजिबल है होता ही नहीं है। तो आपको मे बी सन ग्लासेस या फिर अच्छा कोई लेंस की ज़रूरत पड़ेगी ये देखने के लिए अच्छे से। तो ये सीन्स है यहाँ के, ये सुसाइड पॉइंट है, पता नहीं किस वजह से ये सुसाइड पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे बहुत सुसाइड आके गए होंगे। पता नहीं यार सुसाइड पॉइंट बनता क्यों है। ज़बरदस्त नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। फुल कर दीजिए भैया, 107 रुपये का है। बाप रे, 2, 4, 6, 8
निखिल के लिए दो प्लेट है, बाकी ये रेस्टोरेंट है और इसमें बैठे हुए हम लोग पिछले आधे घंटे से, और ये रिकॉन्गपियो में ही है। अब आगे का प्लान पता नहीं क्या होने वाला है। सो अभी के सीन्स कुछ ऐसे है, हम लोग खाना वाना भी खा लिए, अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:09 हो रहा है। तो आज हमारा डेस्टिनेशन जो होने वाला है वो रामपुर होने वाला है, जो कि अराउंड 100 किलोमीटर है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल हमने यानी हो चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो कल अगर लंबा स्ट्रेच होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग कवर अप करेंगे। यहाँ से नीचे की ओर हमें जाना है, चलो लेट्स गो। क्या प्यारा व्यू लग रहा है, नेक्स्ट लेवल। कितना प्यारा सनसेट अभी हो रहा है यहाँ से, जो रिवीलिंग शॉट आया रील्स में हमने उसको डाल रखा है, जाके आप इंस्टाग्राम पे देखिए, इंस्टाग्राम पर आईडी आएंगे यहाँ होगा। बहुत बेहतरीन शॉट आया, मतलब ऐसा सनसेट हमने फर्स्ट टाइम इस तरीके से कैप्चर किया हो, मतलब मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट शॉट है ये सनसेट का। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग व्यू। और अभी जो हम जा रहे हैं करचम डैम करके एक जगह जो रास्ता भी पड़ता है, जहाँ पे दो नदी का मिलन होता है, वो चीज़ देखने के लिए जा रहा है। वो रास्ते में ही एक्चुअली ये है रक्चम डैम, और ये देवभूमि के नॉर्थ में, बट हमें जिस लोकेशन का इंतज़ार है यही है वो। आओ भाई देखते हैं इसको। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि दो नदियाँ जो होती है मिलन होता है, संगम है दो नदियों का। ये डैम का पुल है, और इस साइड से दूसरी नदी, इस साइड से दूसरी नदी आती है। तो ये करचन डैम था, जहाँ पे दो नदी मिलती है, एक सतलज है एक भाजपा करके रिवर का नाम है। काफ़ी सही व्यू है यहाँ से, और ये रास्ते उतना ही ख़तरनाक है क्योंकि इतना शार्प कर्व्स है यहाँ पे, और कर्व पे ही गड्ढे होते हैं जिससे आपका बैलेंस जो बिगड़ जाता है। ये देखो कितनी शानदार रोड है, और जो वादियाँ यहाँ की और भी लाजवाब है। तो अभी जो है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया गया, ब्रेक की वजह से फेंकी है क्योंकि ये ट्रांजिशन टाइम है, अभी टाइम करीबन 7:10 हो रहा है। जिसको क्या होता है कि उतना ज्यादा हमें विजिबिलिटी मिलती नहीं है, और खास करके ये ऑफ रोड पैचेस में जहाँ पे आपको बिल्कुल रोड का कोई आइडिया नहीं होता कहाँ गड्ढे कहाँ क्या हो जाएगा। ये देखो इतना सही लग रहा है यहाँ से लाइटिंग, ये सेम व्यू आपको याद दिलाते हैं शिमला की। तो हम लोग जो है रामपुर पहुँच चुके हैं, अभी रात के 9:50 हो रहे हैं, बहुत स्पीड में आए हम लोग। सो हम लोग जो है रामपुर में भी स्टे कर रहे हैं, खाना आ चुका है और कपड़े वगैरह सब इधर उधर है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी खाना खाते हैं, उसको फिर सोएंगे, और कल सुबह जो है ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, और कल सुबह हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। बहुत लंबा डिस्टेंस है बट हम लोग ट्राई करेंगे, वैसे तो होना इम्पॉसिबल है लेकिन ट्राई करेंगे सुबह उठने का। फटाक से खाना खाता है क्योंकि खाना ठंडा हो गया तो फिर नींद नहीं आएगी अपने को। सुबह का वेट करो आप। तो अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं,
और सैंडी भी है, और निखिल जो है निकल रहे हैं पटना के लिए डायरेक्ट। हम जो है थोड़ी देर बाद में जाएंगे क्योंकि हमें दिल्ली जाना है और इनको कुछ इमरजेंसी काम आ गया, इसकी वजह से इन्हें अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। हम करीबन 8-9 बजे तक निकलेंगे यहाँ से और ये लोग को पटना पहुँचने में कल तक का टाइम लग जाएगा। और निखिल के टायर में हवा कम हो गया था तो इन्फ्लेटर का यूज़ हो रहा है अभी, बाकी सब सही है। नज़ारे तो देखो आप यहाँ से, अभी जो है आपको थोड़ा एरियल व्यू दिखाते हैं। ये जो नज़ारे हैं ये माइंड ब्लोइंग है। सेफ जर्नी। बाय बाय, मिलते हैं रास्ते में। सुबह के 10:14 हो रहे हैं और हम रामपुर से जो है निकल चुके हैं और मेरा जो डेस्टिनेशन है आज का वो है दिल्ली। तो हमें लगता है कि हम 10 या 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये ट्रैफिक का अगर सिलसिला चलते रहा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी क्योंकि गर्मी जो है बढ़ चुकी है। तो हमें लगता है कि कम से कम 100 किलोमीटर तो स्ट्रेच करके ही हम ब्रेक लेने वाले हैं। बाइक यहाँ पे पार्क्ड है और नारकंडा में है और यहाँ से 60-65 किलोमीटर के करीब शिमला है। अकेले ट्रैवल करने में अलग ही फील आता है क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप्स लेते हो आप, तो आप जल्दी किलोमीटर कवर अप करते हो, फिर स्पीड लिमिट भी आपकी मेंटेन रहती है। हमें लगता है कि रात के 8-9 बजे तक हम दिल्ली में होंगे। अभी के अपडेट कुछ ऐसे हैं कि टाइम हो रहे हैं 2:10, 10 किलोमीटर बाद हम रुकेंगे शिमला में, कुछ लाइट सा लंच करेंगे। तो हम जो जा रहे हैं शिमला में जा रहे हैं, सोगी लेफ्ट मुड़ता था टनल के पहले ही, लेकिन सोचे कि शिमला घूमते हुए जाए और आप लोगों को भी कुछ नज़ारे दिखाते जाए। वैसे तो गर्मी बहुत हो रखी है, धूप इतना तेज है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये टनल से आप शिमला की तरफ चले जाओगे, अगर सोगी की तरफ जाना है जहाँ हम लोग स्टे किए थे जब दिल्ली से आए थे, तो फर्स्ट स्टेज जो था वहाँ, उधर जाने के लिए आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा क्योंकि हैवी व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं वो उधर से जाते हैं और इधर जो लाइट व्हीकल्स होते हैं वो इधर से जाते हैं। तो अच्छा सा बढ़िया सा कैफ़े ढूंढते हैं या रेस्टोरेंट, बैठ के खाते हैं क्योंकि सुबह से बस मैगी खाए रखे हैं, चाय पी रखे हैं और 2:30 बज चुका है तो भूख लगना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं और वैली देख रहे हैं इसका नाम सोलन वैली है। तो सोलन वैली को क्रॉस करके ही आप शिमला जाते हो या फिर चंडीगढ़ आते हो वापसी में। और ये देखो फिर से जो आंखों में जो लगने वाली तेज़ धूप, छोले कुलचे। सो अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी चंडीगढ़ से थोड़ा आगे बढ़े हैं, लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से तकरीबन 3 घंटे और लगने वाले हैं हमें दिल्ली पहुँचने में। इतनी एक्सट्रीम ठंड वाली जगह से आप गर्मी में आते हो ना तो अलग सा फील होता है, और वही मेरे साथ अभी हो रहा है। सो यहाँ पे जो है टी ब्रेक लिया गया है, बाइक जो है यहाँ पे पार्क्ड है, यहीं पे खड़े होके चाय पीएंगे क्योंकि बैठने का एकदम इच्छा कर ही नहीं रहा अभी। और इधर चंडीगढ़ है और इस साइड जो है दिल्ली जा रही है। सो अभी 1:15 हो रहे हैं और यहाँ पे अमृतसर देव पे हमने डिनर कर लिया और यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे लगेंगे हमें और फ्लैट पहुँचने में। थक की हालत तो बेकार हो चुकी है, यही है जी राइडिंग का जोश और कुछ नहीं है। अब घर पहुंच के ही आराम किया जाएगा। ट्रिप की जो बात अगर की जाए तो ट्रिप अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहा, रिस्की भरा रहा और बहुत चीज़ें जो है हमें देखने को और सीखने को मिली कि आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को टैकल आउट कर सकते हो, कैसे सेफली रात में आप वैसे रोड में चला सकते हो जहाँ पे लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप रात में चलाओ भी। नज़ारे और वाइब्स थे वो तो अल्टीमेट थे ही, और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो हमने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके आप वीडियो देखो सारे और बताओ कि कैसा लगा वीडियो आपको। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स और हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं वो अच्छे लगे हो
तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे और वीडियोज़ मिलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग जो हैं वो बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पर आते हैं, तो ट्रैवल करने का मौका मिलता नहीं है, लेकिन जब ट्रैवल करते हैं तो फुल पावर 24 आवर। तो इस व्लॉग की जो समाप्ति है वो यहीं पे होने वाली है, और जितने भी एक्सपेंडिचर और क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रिप को लेके, उसका एक अलग से पर्टिकुलर व्लॉग बनेगा, और क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान रखोगे और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए इन पर्टिकुलर, उसका भी उसी व्लॉग में इंक्लूड करके हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, ताकि अगर आप स्पीति राइड कर रहे हो मे बी विंटर और समर, तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हमारे ट्रिप में आई थी जिसको हमने विदाउट एनी प्रिपरेशन टैकल आउट किया था। मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में, और हम जो हैं 3 बजे के आसपास अपने घर पे होंगे, सो रहे होंगे, और आप भी अपने घर में बैठ के आराम से हमारे वीडियोस देखो और घूमो, जितना घूम सकते हो घूमो, क्योंकि एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं होती है। मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में, थैंक यू। हम घर पहुँच रहे हैं तब तक।